हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स। आज एक और नए वीडियो के साथ आया हूँ आप लोगों के लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे ये सब तो चलाए ही होंगे, बहुत मैक्सिमम आदमी भी चलाते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई नया यूजर होता है गूगल पे फ़ोन पे का, और उसको पेमेंट कहीं से लेनी है, और अगला व्यक्ति कह रहा है कि भाई गूगल पेमेंट, गूगल पे का आप हमें QR कोड दे दो, मैं उसी पे पेमेंट कर दूंगा। तो जो नया यूजर होता है वो अब लगता है ढूंढने गूगल पे में कि कहाँ है QR कोड, है कहाँ। गूगल पे खोल के वो लगेगा ढूंढने कि कहाँ होता है गूगल पे का QR कोड, उसको पता ही नहीं होता। तो कभी कभी परेशानी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, गूगल पे का, फ़ोन पे का, दोनों का QR कोड कहाँ होता है, और इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे किसी से पेमेंट लिया जाता है, कैसे स्कैन किया जाता है, ये सारे प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ख़ास उनके लिए जो नए यूज़र हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये QR कोड होता कहाँ है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया, और इस पे मैं खोल लेता हूँ गूगल पे। ये रहा हमारा गूगल पे, ये इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के लिए फ्रेंड्स, इसमें हम जो है ये देख रहे हैं आप, ये लोगों के साथ जो QR कोड दिख रहा है, बाय मिस्टेक बहुत सारे लोग इसी को QR कोड समझ लेते हैं और इसी को लगते हैं स्कैन करने। तो फ्रेंड्स, दरअसल ये QR कोड नहीं होता है, हमको इस पर क्लिक करना होता है तो ये चीज़ खुल जाएगी, सामने ये चीज़ आ जाएगा। तो आप इसको QR कोड मत समझिए, ये QR कोड नहीं है। इसको QR कोड लेने के लिए हमको बाएं की तरफ स्लाइड करना होगा, लेफ्ट की तरफ इसको स्लाइड करते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका QR कोड, यही है आपका QR कोड। अब इसको जो है, आप किसी से पेमेंट अगर लेना है आपको, तो ये QR कोड उससे स्कैन करवाइए। QR कोड स्कैन करवाएंगे तो उस पर आपका सारा डिटेल आ जाएगा, इस पर आपको वो पेमेंट कर देगा। और एक और तरीका होता है दोस्तों, इसको शेयर करके। शेयर कैसे करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें तो शेयर का ऑप्शन नहीं दे रहा है कहीं से। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हो, जिसको भी भेजना हो आप भेज सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के, और वहाँ से जो है वो अपने गैलरी से ये QR कोड उठाएगा, आपको पेमेंट कर देगा। वो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बैक आ गया। सपोज कीजिए मैं अपना फ़ोन पे खोल रहा हूँ, ये मैंने फ़ोन पे खोल लिया और मैंने अपना स्कैनर खोल लिया, ये स्कैनर खोल लिया। ये अब जो है स्कैनर खोलने के बाद मुझे पेमेंट करना है। अगर मान लीजिए किसी ने भेजा है हमें, अपना स्क्रीनशॉट भेजा है QR कोड का स्क्रीनशॉट, तो हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, ये देखते हैं, ये है गैलरी, इसमें हम क्लिक करते हैं और जहाँ भी होगा आपका QR कोड वहाँ से आप इसको उठा लीजिए। ये गैलरी में हम आ गए, ये देखिए, ये हमने इस पर सेलेक्ट किया और ये आ गया। अब हम इस पर जितना चाहे उतना पेमेंट भेज सकते हैं और उसको पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे गूगल पे का। अब हम चलते हैं अपने फ़ोन पे पे कि फ़ोन पे कैसे हम यूज करते हैं, फ़ोन पे का QR कोड कैसे शेयर करते हैं और कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपना फ़ोन पे खोल लिया। फ़ोन पे खोलने के बाद इसमें दोस्तों बहुत सिंपल होता है फ़ोन पे का। इसमें हमें आपको आना है इस लोगो पे,
जो आपका लोगो होगा या फोटो होगा, जो भी आपने वहाँ पे लगाया है उस पे आना है आपको। और आने के बाद देखिए, इसमें ये दूसरा वाला सेक्शन जो है, ये आपके ऊपर वाले में जो है यूपीआई आईडी में आपका होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये आपका यूपीआई आईडी है, इससे भी पेमेंट आप ले सकते हैं और नया यूपीआई बना भी सकते हैं, लेकिन हमें केवल क्यूआर कोड देखना है। ये हमें क्यूआर कोड देखना है, हमने इसके पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये हमारा क्यूआर कोड आ गया। ये हमारा क्यूआर कोड हो गया। इसको आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से शेयर कर सकते हो। ये हमने शेयर पे क्लिक किया। शेयर पे क्लिक करने के बाद ये आप चाहे जहाँ मर्जी वहाँ भेज सकते हो। अब जहाँ भेजोगे वो बंदा क्यूआर कोड अपना खोलेगा स्कैनर, वहाँ से गैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट करने के बाद वो पेमेंट आपको भेज देगा। कंफर्मेशन पे के लिए आप अपना बैलेंस चेक कर लो, या आपके यहाँ पे आ जाता है वो, जैसे ये है ना, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये टू मोबाइल पे क्लिक किया हमने, ये दोस्तों ये है टू मोबाइल नंबर, जो कि उसका मोबाइल नंबर भी आ जाता है, नोटिफिकेशन भी आ जाता है। ये देखो, ये सब आपका, ये सब आ जाता है, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है उसका। यहाँ से भी आप चेक करते हो। दूसरा है, आप यहाँ से बैलेंस चेक कर सकते हो, लेकिन उस बैलेंस चेक करने के पहले, पेमेंट लेने से पहले आपको बैलेंस चेक करना होगा, फिर पेमेंट लेने के बाद आपको बैलेंस चेक करना होगा। कई तरीके हैं चेक करने के। तो फ्रेंड्स, यही था एक सिंपल सा तरीका कि गूगल पे फ़ोनपे का ये क्यूआर कोड होता कहाँ है, कैसे यूज करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद।